साथियों, भारत की राजनीति में आज तक चार प्रकार के दल या कहो चार प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर देखे गए हैं। पहला है नामपंथी, दूसरा है वामपंथी, तीसरा है दाम और दमनपंथी और चौथा है विकासपंथी। नामपंथी यानी जो सिर्फ अपनी वंशवादी नेता का नाम जपे, नेता में योग्यता हो या न हो उसे राजा महाराजा मानकर उसका ही गुणगान करे, ये है नामपंथी। आज देश में ये नामपंथियों की पहचान करने के लिए मुझे किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे हैं वामपंथी, यानी जो नकारी जा चुकी, रिजेक्ट की हुई विदेशी विचारधारा को भारत पर थोपने की कोशिश करे, भारतीयता का अपमान करे और तीन दशक तक जिस करतूतों को बंगाल की जनता ने जेला है वो है वामपंथी। जो नक्सलवाद को दाना पानी दे रहे हैं भाइयों बहनों, तीसरा है दाम और दमनपंथी। दाम और दमनपंथी यानी जो धन और बाहुबल की ताकत पर सत्ता पर कब्जा करें और लोगों को ही अपना गुलाम बनाने की कोशिश करे। इन और आज बंगाल पहले नामपंथियों का शिकार हुआ, बाद में वामपंथियों का शिकार हुआ, उसके बाद दाम और दमनपंथी का शिकार हुआ, आज दाम और दमनपंथी की चुंगाल में बंगाल फंसा हुआ है। उसको बचाने के लिए चौथा राजनीतिक कल्चर है विकासपंथी। ये विकासपंथी का मतलब है विकास, देश का विकास, जन सामान्य का विकास, लोगों के सपनों के अनुसार विकास और उस विकास पंथ को लेकर चलने वाली एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के लिए दल से बड़ा देश है, जिसके लिए देश का विकास, देश के लोगों का विकास ही सर्वोपरि है।